एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्क्रिप्टेड। आ गया थर्सडे और थर्सडे की मोस्ट अवेटेड वीडियो के साथ, यानी कि इस हफ्ते वीक 46 की टीआरपी के साथ आपका स्क्रिप्टेड आपके सामने हाजिर है। चलिए सबसे पहले में हम हमारे फेवरेट शो की बात कर लेते हैं, जो कि हम सबका फेवरेट शो है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है पिछले हफ्ते 2.2 की टीआरपी लेकर आया था, उससे पिछले हफ्ते भी 2.2 की टीआरपी लेकर आया था। तो क्या इस हफ्ते 2.2 से ज्यादा टीआरपी आई है या फिर कम आई है? तो मैं आपको बता दूं कि ना तो ज्यादा आई है ना ही कम आई है, बल्कि 2.2 की फिर से टीआरपी लेकर आ गया है ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो कहीं ना कहीं डिक्रीज ना हो ये हम चाहते हैं, भले ही स्टेबल रहे, क्योंकि 2.2 टीआरपी खुद में ही एक अच्छी टीआरपी है। तो अगर ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2 की टीआरपी पर स्टेबल भी रहता है ना, तो उसके जो ऑफर होने के जो जब भी खतरा मंडराएगा वो उससे देख कर ही भाग जाएगा। चलिए आप बढ़ते हैं नंबर वन शो की टीआरपी की तरफ। तो इस बार नंबर वन शो अनुपमा बना है, पिछली बार कॉमिक सी प्यार में और अनुपमा दोनों में ही टक्कर थी, दोनों ही नंबर वन शो बने थे, लेकिन इस बार अनुपमा ने फिर से कॉमिक सी प्यार में को पीछे छोड़ दिया है और लेकर आ गया है 3.1 की टीआरपी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और अब मैं बात कर रही हूँ स्टार प्लस के बाकी और शोज की तरफ। तो स्टार प्लस के बाकी और शोज की लिस्ट में बनी चाओ होम डिलीवरी की आई है 1, रजो की 1.3, पांड्या स्टोर 2, गुम है किसी के प्यार में 2.8, इमली की 2.3, फालतू की 2.2, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.2, अनुपमा 3.1, ये है चाहते 2। और अब मैं अगर स्टार प्लस की टॉप 5 शोज की बात करूं तो उसमें नंबर 1 पर जो शो आया वो अनुपमा है 3.1 की टीआरपी के साथ, नंबर 2 पर गुम है किसी के प्यार में 2.8 की टीआरपी के साथ, नंबर 3 पर इमली 2.3 की टीआरपी के साथ, नंबर 4 पर जो शो आया है वो है ये रिश्ता क्या कहलाता है एंड फालतू 2.2 की टीआरपी के साथ, और नंबर 5 पर भी दो शोज है पांड्या स्टोर एंड ये है चाहते 2 की टीआरपी के साथ। तो ये थे स्टार प्लस के सभी शोज की लिस्ट, प्लस मैंने आपको स्टार प्लस की टॉप 5 शोज की टीआरपी भी बताई। ये रिश्ते क्या कहलाता है कि टीआरपी भले ही स्टेबल हो लेकिन उसकी पोजीशन में जरूर डाउनफॉल हुआ है। पिछले हफ्ते स्टार प्लस की टॉप 5 शोज की लिस्ट में ये रिश्ते क्या कहलाता है नंबर 3 पर आया था और इस बार नंबर 4 पर। तो हमें अब किसी भी तरह से रिश्ता को वापस से उसकी अच्छी वाली पोजीशन हासिल करानी है फैंस, राइट। अभी तक फिलहाल स्टेटस के शोज की ही टीआरपी आई है, तो मैंने सोचा फटाफट से क्यों ना आपके साथ शेयर कर ली जाए, क्योंकि आप भी तो सुबह से इसका इंतजार कर रहे होंगे ना फैंस। तो अब आप मुझे बताइए फैंस कि जो अभी ये रिश्ता का करंट ट्रैक चल रहा है, गुम है किसी के प्यार में का करंट ट्रैक चल रहा है, अनुपमा का करंट ट्रैक चल रहा है, उसके हिसाब से आप ये रिश्ता क्या कहलाता है अनुपमा, गुम है किसी के प्यार में, स्टार प्लस की बाकी और शोज की टीआरपी में क्या प्रेडिक्शन करना चाहेंगे, किस किस शो में अगले हफ्ते की इंक्रीमेंट हो सकता है देखने को मिल सकता है या किसी में डिक्रीमेंट भी देखने को मिल सकता है, अपने प्रेडिक्शन में से जरूर शेयर कीजिएगा। और स्क्रिप्टेड के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय एवरीवन।